हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और आज मैं आपको बताऊंगी घर पर हेयर स्पा क्रीम बनाने का तरीका। दोस्तों, सैलून में जब हम हेयर स्पा कराते हैं तो 1000 रुपये से लेकर 2-2500-3000 रुपये तक का खर्चा आता है, पर घर में आप कुछ ही रुपयों में हेयर स्पा क्रीम बना सकते हैं और अपना हेयर स्पा खुद कर सकते हैं। इससे आपका टाइम और पैसा दोनों ही सेव हो जाएंगे। तो आज जो मैं हेयर स्पा क्रीम आपको बताने जा रही हूँ, ये आपके बालों को डीप कंडीशन करेगी, उनकी फ्रिजीनेस, ड्राइनेस, रफनेस को दूर करेगी, हेयर फॉल को रोकेगी, हेयर ग्रोथ को स्टिम्युलेट करेगी, बालों को बाउंस देगी, वॉल्यूम देगी, बालों को सिल्की बनाएगी, सॉफ्ट बनाएगी, और साथ ही साथ अगर आपके स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी दूर करेगी। तो चलिए जानते हैं इस हेयर स्पा क्रीम के इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए आपको चाहिए 4 चम्मच आमंड ऑयल यानी बादाम रोगन शीरीन, 1 चम्मच ग्लिसरीन, 3 चम्मच हेयर कंडीशनर। आप नॉर्मली जो भी घर में कंडीशनर यूज़ करते हैं वही आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है 3 चम्मच हनी यानी शहद। फिर आपको चाहिए 4 चम्मच एलोवेरा जेल और 2 चम्मच नींबू का रस। तो आपको करना क्या है, बादाम तेल, ग्लिसरीन, हेयर कंडीशनर, एलोवेरा जेल, शहद और नींबू, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लीजिए, आपकी हेयर स्पा क्रीम तैयार है। जब भी आप हेयर स्पा करें आप ये ध्यान रखिए कि आप क्लीन हेयर में करें। गंदे बालों में अगर आप हेयर स्पा क्रीम लगाएंगे तो उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो इस हेयर स्पा क्रीम को कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। इसे अपने बालों में सेक्शन बाय सेक्शन रूट से टिप तक लगाइए। अपने पूरे बालों में इसे लगाने के बाद आप 5 से 7 मिनट तक हेयर एंड स्कैल्प की मसाज कीजिए। अपनी फिंगर टिप्स से आपको मसाज करनी है और उसके बाद आपको बालों को टॉवल स्टीम देनी है ताकि न्यूट्रिएंट्स आपके स्कैल्प के अंदर तक पेनिट्रेट हो जाएं। गर्म पानी में टॉवल डिप कीजिए, उसे निचोड़कर उसे अपने हेड पर रखिए और पूरी तरह से कवर कर लीजिए। 2 मिनट तक हेड कवर रखिए, फिर से टॉवल निकालिए, फिर से गर्म पानी में डिप कीजिए और हेड को फिर से कवर कीजिए 2 मिनट तक। तो ये प्रोसीजर आपको 4-5 बार करना है ताकि आपके बालों और स्कैल्प के पोर्स में अच्छे से पोषण पहुंच जाए। स्टीमिंग के आधे घंटे बाद आप किसी हर्बल शैम्पू से बालों को धो लीजिए। तो ये था हेयर स्पा क्रीम बनाने का तरीका और उसे यूज़ करने का तरीका। आप अब कभी भी घर में अपना हेयर स्पा कर सकते हैं, अपने बालों की डीप कंडीशनिंग कर सकते हैं। आप इसे 1 महीने में 2 बार यूज़ कीजिए, आपके बाल बहुत ही सिल्की सॉफ्ट हो जाएंगे एंड बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो ये जो हेयर स्पा क्रीम के इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं ये मीडियम हेयर लेंथ के हिसाब से मैंने लिए हैं। अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो आप इसी रेशियो में इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये था हेयर स्पा क्रीम बनाने का तरीका। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक करना मत भूलिए, थम्स अप का बटन दबाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए अपलोड्स के अपडेट्स आपको मिल सके। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आपके पास फिर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। Thank you for watching my video. Bye.